जैसा भी सर ने कहा कि हम एक एनजीओ से आए हैं, आपने एनजीओ का नाम सुना होगा, सामाजिक संस्था जो समाज के उत्थान के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए कार्य करती है। वैसे तो हम पहले भी स्कूल में आ चुके हैं और हमने यह स्कूल अडॉप्ट किया है। आप स्वच्छता के लिए जागरूक है कि नहीं है, हाथ खड़े करो। आप लोगों से हमने एक वादा लिया था कि आप खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे और बहुतों ने हाथ उठाए थे, तो गलती से गलती हो जाती। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गलती से कितने बच्चों से गलती हुई थी और खुले में कचरा फेंक दिया, रैपर फेंक दिए, बिस्किट खाए, चॉकलेट खाया, जो उसका जो लेफ्ट ओवर है वो खुले में फेंक दिया। आप में से कितनों ने गलती से गलती की थी, हाथ खड़े करो। सच बोलना शाबाश। जिन्होंने गलती से जो है, कई बार होता है, सच बोलना, गलती से जो गलती हो गई, सच बोलो, शाबाश बोलो। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी। सच बोला ना, सच बोलने वालों के लिए तालियां बजानी चाहिए, मेरे ख्याल बजानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बजानी चाहिए, क्योंकि सच बोला। प्यारे बच्चों, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे से भी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। क्यों नहीं फेंकना होता खुले में, जोर से बोलना है, सबको सुनाई दे। सर, अगर खुले में कचरा फेंकेंगे तो पॉल्यूशन फैलेगा। नाम बताओ पहले अपना। यश आर्य। कौन सी क्लास में पढ़ते? फोर्थ। खुले में अगर कचरा फेंकेंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन से क्या होगा? सर, पॉल्यूशन से गंदगी फैलेगी, मतलब पॉल्यूशन से गंदगी फैलेगी और ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी सूख जाएंगे। वाह शाबाश, अच्छा बोले, तालियां तो बनती है, शाबाश, बैठ जाइए। और कौन? माय नेम इज साक्षी शर्मा। शाबाश, बोलो साक्षी। जब हम कूड़े में कचरा फेंकेंगे तो हमको बीमारी और पौधे सूख जाएंगे। बीमारियां भी जब लेगी और क्या, पौधे भी सूख जाएंगे। और जब पौधे सूखेंगे तो क्या होगा? साक्षी के लिए पहले जोरदार तालियां। सर, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्यों ऑक्सीजन चाहिए? सर, हम तब जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यस सर, सही बोले। ये नाम बताओ अपने, जोर से। रिक्षित। खुले में कचरा फेंकते हैं? यस सर, एक बारी फेंका था। आगे को फेंकेंगे? नो सर, मैं खुले में कचरा नहीं फेंकूंगा। शाबाश, क्लैपिंग फॉर हिम, शाबाश, वेरी गुड। अब आपने प्रॉमिस देना है हमें, प्रॉमिस, यू हैव टू होल्ड प्रॉमिस विद मी कि आज के बाद आप खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे। हाथ खड़े करो जो प्रॉमिस, वादा करते, पक्का वादा चाहिए, कच्चा नहीं चाहिए, पक्का वादा है? पीछे से कच्चा वादा लगा, पक्का वादा है? मैं यह प्रण लेता हूँ कि आज के बाद गलती से भी नहीं करूँगा। अर्थात खुले में कचरा नहीं फेंकूँगा। अगर किसी को खुले में कचरा फेंकते हुए देखता हूँ तो उनसे ऐसा ना करने का आग्रह करूंगा। मेरा नाम सुहाना है, मैं आज प्रण लेती हूँ, आज के बाद मैं कभी कचरा नहीं फेंकूंगी खुले में। जो फेंकेगा उसको भी बताऊंगी कि खुले में कचरा ना फेंके। माँ विशाल, आज के बाद मैं कहीं खुली जगह में कचरा नहीं फैलाऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर किसी को खुले में कचरा फेंकते हुए देखते हैं तो क्या करना, लड़ाई करनी है? आप तो बड़े इंटेलिजेंट है, लड़ाई नहीं करनी, फिर क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? स्वच्छता। क्या करना है?
आग्रह करना है, आग्रह से ही सफाई हो सकती है, लड़ाई से नहीं। अब आपको लग रहा है कि लड़ाई से सफाई नहीं होती, ऐसा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि क्यों कोई अगर कचरा फेंक रहा है उसको जाना चाहिए और बोलना चाहिए, क्यों फेंक रहा है बेवकूफ, ऐसे बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए ना, फिर क्या बोलना चाहिए? जाग उठेंगे भाई, चलो क्या बोलना चाहिए? सर उन्हें समझाना चाहिए कि यहाँ पे कचरा ना फेंके, प्यार से समझाना चाहिए। यस सर। लड़ाई से क्यों नहीं? क्योंकि सर फिर उससे क्लेश बनेगा और फिर और वो बाद में और फेंकेंगे। यस सर। आपके सामने तो नहीं करेंगे और पीठ के पीछे और फेंकेंगे। यस सर। फिर जब वो वापस से फेंकेंगे तो फिर तब उन्हें थोड़ा बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। मेरा नाम अविनाश है और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। बड़े होकर पढ़कर क्या बनना चाहते हैं? मैं ब्लैक कमांडो। अरे क्या बात है, देखा ब्लैक कमांडो, ये क्या होते हैं ब्लैक कमांडो? सर जो अपने देश की रक्षा करते हैं। मेरा नाम आरुषि शर्मा है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, उससे हमें बीमारियाँ व पेड़ सूख जाते हैं, और अगर पेड़ सूख जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे कि हमारी मौत हो सकती है। आरुषि शर्मा ने बहुत अच्छा कहा, अब खुद से किसको बोलना है? माय नेम इज कुणाल। आप सब खुले में कचरा ना फेंके, आज के बाद मैं भी नहीं खुले में फेंकूंगा। मेरा नाम रिहानशील है, मैं आज से वादा करती हूँ कि मैं कभी भी खुली जगह में कचरा नहीं फेंकूंगी, और जिसे भी मैं खुले में कचरे फेंकते हुए देखूंगी उन्हें भी समझाऊंगी। हंसिल ने कितना अच्छा कहा, बहुत जोरदार, एक बार जोरदार तालियां। मैं 6th क्लास का छात्र हूँ और मैं आज से लेकर कभी कचरा नहीं फेंकूंगा, और किसी को अगर मैंने कचरा फेंकते हुए देखा तो उसे भी समझाऊंगा कि यहाँ पर कचरा ना फेंके। मेरा नाम पली है, मैं आज से वादा करती हूँ आज के बाद नहीं फेंकूंगी, अगर मैंने किसी को देख लिया तो मैं उसको समझाऊंगी और ग्रह करूंगी। तो आदरणीय अध्यापक वर्ग, आदरणीय इस स्कूल के मुखिया, मैं कहना चाहूँगा कि हमने 2047 तक अपने सामने एक लक्ष्य रखा है प्यारे बच्चों, कि 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भारत की आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? स्वच्छता से मनाएंगे, भ्रष्टता से नहीं मनाएंगे। और वो कैसे मना सकते, जब आप बच्चे जागरूक होंगे और आप बच्चे साथ देंगे। तो आज आपके स्कूल में हम आए, हम ज़रूर चाहेंगे कि जब दूसरी बार आए तो इसके लिए हम एक सिग्नेचर सपोर्ट ले रहे हैं। 15 सालों से कार्य कर रहे हैं कि स्वच्छता राष्ट्रीय मूल्य बने। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको आज आपके बीच में जो स्वच्छता के बारे में जो है NGO से एक हैं सत्यन जी, इन्होंने आपको बताया है स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता का महत्व। जितना सफाई रखोगे, आप सभी को तो पता है स्वच्छता, जो साफ रहेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, बहुत अच्छा रहता है, स्वच्छ रहता है, निरोगी रहता है, ठीक है। तो जो जितना सफाई रखेगा, नाखून काट के रखोगे, सरो स्नान करोगे, स्वच्छ शरीर जो है उसमें स्वच्छ मन निवास करता है। जब शरीर अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा, और जीवन में सभी जो है आप लोग तरक्की करोगे हर काम में। स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा भी कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, वो किसी कारण अपने आप नहीं हुआ, वो बहुत सारे पेड़ और इनको हमने काट दिया, ये जो हमने घर बना दिए जगह जगह कंक्रीट के जंगल इकट्ठे किए हैं, तो ये जो सड़कें हैं इनको काटने के लिए हमने बहुत ज़्यादा गलत कटिंग कर दी है। तो ये पर्यावरण का हिस्सा है और ये स्वच्छता से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका महत्व पता है, सब लोग समझाएंगे अपने घर में, अपने आसपास, अपने माँ बाप को, अपने सामाजिक जो आसपास परिवेश है आप लोगों का, वहाँ पर आप इसको और भी जागरूक करें। अपने घर में जा कर के कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, स्कूल में आए तो स्कूल में कभी इधर उधर कचरा ना फैलें। अगर आपको लगता है कोई कूड़ा कहीं पड़ा है, कहीं दिख रहा है, तो ये नहीं देखना कि मैंने नहीं डाला है, मैं क्यों उठाऊं इसे, ये आपका कर्तव्य है। इन्होंने बताया जैसे आपको आज कि वैल्यूज़ है, ये 2047 तक 100 वर्ष शताब्दी मनाई जाएगी, इसके लिए भी वैल्यू है ये, इसको आपने
बनाना है पूरा, आप इसके लिए जागरूकता वो करो और पूरी कोशिश करोगे तो पक्का ये जो लक्ष्य है ये हासिल हमारे देश को हो जाएगा, ठीक है? तो समझ गए आप, ध्यान रखना इस बात का, आसपास अपने घर में स्कूल में जहाँ भी जाएं स्वच्छता को बहुत ध्यान रखें, अपना शरीर का हो और चाहे आसपास का हो, घर का हो, स्कूल का हो, बाजार का हो, कहीं भी हो, आपको स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी किसी से इसके लिए झगड़ा बहस नहीं करने की क्यों नहीं फेंका या क्यों फेंक दिया, आप उसको समझा सकते हो, उससे आग्रह कर सकते हो। एक होता है सत्याग्रह, जब कोई झूठ बोलता है सत्य के लिए आग्रह करते थे ना, सत्याग्रह बोलते उसको महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है? वैसे ही ये स्वच्छता आग्रह है, स्वच्छता के लिए आप आग्रह करोगे उनसे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है? लड़ोगे नहीं उन्हें बल्कि आग्रह करोगे और उसके बारे में उसकी उपयोगिता बताओगे, उसका महत्व बताओगे, वो अपने आप समझ आएगा, जानवर भी समझ आते हैं जब प्यार से समझाओगे किसी को, ठीक है? तो बस इसी के साथ मैं आपको भी और आपकी संस्था को भी धन्यवाद करता हूँ कि आप जो इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं, ये देश के लिए एक बहुत ही महान एक कार्य है और इंटरनेशनल जो बिल्डिंग होती है उसमें आप बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, मैं सेन जी और भावेश जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आप सभी के साथ साझा की। तो जैसे कि ये साल ही त्रासदी का साल कहा जा सकता है ना? अब हम सब ने तो बड़ी नज़दीक से अपने स्कूल के साथ ही त्रासदी देख रहे हैं हम, तो ये कारण क्या है, क्या कारण है कि पर्यावरण के साथ जो हम मनुष्य ने, हमने नहीं बोलूँगा मैं, हम मनुष्यों ने जो छेड़छाड़ की है ना, वही ये कारण है, ये जो हमारे कर्म हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं, ठीक है? तो इनकी जो संस्था है ये सभी बच्चों को जागरूक कर रही है कि आने वाले समय में हम सब तो जागरूक हों, जो हो गया वो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, अब हम सब तो जागरूक हों ताकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो सेफ हो सके। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका और आपकी संस्था का, आप समय समय पर आएँ और हमारे बच्चों का सभी का मार्गदर्शन करें आप, प्लीज़। थैंक यू। मेरे बच्चों, आपको जैसे कि पता लग गया है, सर ने बताया आपको, सबको पता होना चाहिए कि पर्यावरण कैसे रखना हमने साफ सुथरा, ठीक है? और हमें भी मतलब कुछ सीखना चाहिए, ऐसे नहीं कि सुना और चले गए, समझ गए? आज से लेकर यहीं पे कसम खा के जाना है और साफ़ सुथरा रखना है, आस पड़ोस और लोगों को भी बताना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने विद्यालय की ओर से और बच्चों की तरफ से, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।